भाई के साथ बहुत बड़ा सीन हो गया बॉस। बाहर जाने के लिए इस वजह से शूज पहनते पहनते आपसे बात कर रहा हूँ और बाकी का व्लॉग मैं बाहर बनाता हूँ। अरे भाई जी भाई, अभी हम लोग आए हैं पैनोरामा मॉल। हाँ जी भैया, अभी हम लोग इधर से निकल आए हैं, वो पीछे झूले आप देख रहे होंगे और अभी कहीं और जा रहे हैं। हाँ तो भाई, मैं अभी बाहर आ चुका हूँ मॉल से और मैंने उधर ज्यादा व्लॉग बनाया नहीं क्योंकि भाई आपके भाई को लोग ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने मुर्दा इंसान को जिंदा लाश बना दिया। हाँ जी भैया, काला बहुत आ रहा हूँ यार। यार तुम काले हो तो तब भी काले आओगे ना। तुम भी काले आ रहे हो, भाग गया। ये शख्स देख रहे हैं आप, ये मेरा छोटा भाई है, ये हर वक्त मुझे तंग करता रहता है, व्लॉग ही नहीं बनाने देता मुझे, अभी भी नहीं मुझे व्लॉग बनाने दे रहा है। ये फिर से काला आ रहा हूँ। खैर, अभी हम लोग कुछ खाने की तलाश में कुछ खाते हैं, अभी भूख बहुत तेज लग रही है। अच्छा, अभी खाना खाने से पहले हम लोग सेंट्रो आए। अभी निकल गए हैं और बहुत जोर की भूख लग रही है, अब फाइनली कुछ खाते हैं। अबे भाई, अब पांडा जा रहे हैं, कब खाएंगे भाई, भूख लग रही है मुझे। हमाद बाहर हो तुम, तमीज से। भाई अभी निकल गए पांडा से और अपने पेट को तसल्ली दिलाने के लिए मैंने चॉकलेट और चिप्स ले लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता उससे कुछ काम बनने वाला है। क्या कहा था मैंने, और कोई फायदा नहीं हुआ इसको खाकर। हाँ जी भैया, अभी लोरी खाब आए हुए हम लोग। भैया इधर फ्री वाईफाई। हाँ भैया, क्या यानी आपके व्लॉग्स ही नहीं आते? क्या यानी बताओ ना, क्यों नहीं आ रहे व्लॉग्स? तो भाई मैं उस चीज के लिए पहली बात आपसे माजरत ख्वाह हूँ। माजरत ख्वाह?
क्या वर्डिंग इस्तेमाल कर रहा है भाई, माजरत खुआ। दिल कर चूचे चूचे। खैर अब आ जाते हैं इस वीडियो की टॉपिक पर कि भाई आपके भाई के साथ बहुत बड़ा सीन हो गया बॉस, लेकिन भाई उससे पहले माहौल की जरूरत है। मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी। कट करो, ये कौन सा माहौल आ गया भाई, इस माहौल की थोड़ी ना जरूरत। तो माहौल बनाने के लिए चाहिए सबसे पहली चीज डिफरेंट एंगल, दूसरी चीज कलर ग्रेडिंग, तीसरी चीज बैकग्राउंड म्यूजिक। इसे कहते हैं माहौल। अब बात करते हैं क्या हुआ आपके भाई के साथ। मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि फोन पर दूध गिर गया। तो उस दूध के गिरने की वजह से मेरे मोबाइल के यूएसबी स्लॉट जहां से मोबाइल चार्ज होता है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। मेरा मोबाइल एक कोने पे डेड पड़ा हुआ है और बिल्कुल भी चार्ज नहीं है। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया। तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी। और दूसरी चीज कि मेरा जो मोबाइल है इंजू वो मालूम भी नहीं है। मींस ये दुनिया का जो छोटा सा हिस्सा है ये इंजू कंपनी को जानता है, और ये जो पूरी जमीन है ये सैमसंग और आईफोन पे ही अटकी हुई है। कहने का मतलब ये है कि मेरे मोबाइल के जो हिस्से हैं वो आराम से नहीं मिलते, बहुत वारी होती है उसके लिए। चलो कोई नहीं, आपका भाई इंशाल्लाह नया मोबाइल लेगा बहुत जल्द। एंड आज मैंने कुछ नया ट्राई किया था, एंड दैट इज डिफरेंट एंगल्स। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे एक भाई ने मुझे कहा था कि आप घूम घूम के ब्लॉग क्यों बनाते हो, घूमा मत करो दादा। तो मैंने उसकी ये तरकीब निकाली कि आज से आपके भाई के ऐसे ब्लॉग बनेंगे। तो उम्मीद है यार आपको ये तरकीब अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर नहीं पसंद आई तो इंशाल्लाह हम और तरकीबें लाते रहेंगे। तो ठीक है यार, दुआ में याद रखना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।